नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूलकुमारी। आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे वीर की कहानी सुनाऊंगी जिनकी स्वामी भक्ति और सूझबूझ की चर्चा के बिना महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी अधूरी है। नमस्कार दीदी, मेवार के महाराणा प्रताप का नाम तो हम सबने सुना है, परंतु हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कहानी हमें नहीं पता। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। हल्दी घाटी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में बसी ऐसी घाटी है जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला है। आज के नक्शे के हिसाब से हल्दी घाटी उदयपुर से माउंट आबू के रास्ते में पड़ती है, जहां सन 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ था। युद्ध के मैदान में अकबर की लाखों की विशाल सेना के सामने सिर्फ 22,000 राजपूत बैठे हुए थे। संख्या कम थी, पर राजपूती सेना मुगलों की अधीनता स्वीकारने को तैयार न थी और स्वतंत्रता के लिए जान न्योछावर करने को तत्पर थी। अकबर की सेना में कई तोपें और हाथी भी थे, जबकि प्रताप की सेना में घोड़े अधिक थे। अकबर ने हल्दी घाटी के पास खुले में अपना डेरा डाला था, परंतु प्रताप की सेना ने अपनी गुरिल्ला पद्धति यानी घाटियों में छिप कर वार करके युद्ध शुरू होने से पहले ही अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी, जिससे लाखों की तादाद में जमा सैनिकों को भी 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। और फिर हल्दी घाटी के जिस स्थान पर युद्ध हुआ वहां इतने सैनिक मारे गए, इतना रक्त बहा कि उस स्थान का नाम ही रक्त तलाई यानी खून का तालाब पड़ गया। कम संख्या में होने पर भी राजपूत सेना और प्रताप का शौर्य काल के समान मुगल सेना में भय पैदा कर रहा था। जिस ओर चेतक के टापों की आवाज सुनाई देती, उधर ही भगदड़ मच जाती। चेतक बिजली की तरह दौड़ता और प्रताप के एक इशारे में कहां से कहां पहुंच जाता। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। हाथियों से भरी मुगल सेना को भरमाने के लिए चेतक के मुख पर भी हाथी का मुखौटा लगाया गया था। कहा जाता है कि मुगल सेना का सफाया करते हुए प्रताप मान-सिंह तक पहुंच गए थे, जो कि हाथी पर सवार थे। जयपुर के मान-सिंह स्वयं एक राजपूत राजा थे, जो प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना के सेनापति के रूप में लड़ रहे थे। प्रताप ने चेतक को ऐड लगाई। दूसरे ही क्षण चेतक ने अपने दोनों पैर मान-सिंह के हाथी के माथे पर टिका दिए। राणा घोड़े पर खड़े हुए और अपने भाले से वार किया। भाला महावत के पेट को चीरता हुआ होदे से जा टकराया और मान-सिंह होदे के पीछे छिप गया। दीदी, होदा क्या होता है? होदा मतलब हाथी पर रखा वह लोहे का तख्ता जिस पर राजा बैठता है। उसी के पीछे मान-सिंह छिप कर बच गया और मान-सिंह का हाथी भाग खड़ा हुआ। परंतु मान-सिंह के हाथी ने भी अपनी सूंड में एक तलवार पकड़ी हुई थी, जिसके कारण हाथी से उतरते वक्त चेतक का एक पैर कट गया। फिर भी तीन टांगों से ही चेतक महाराणा प्रताप का युद्ध में साथ देता रहा। परंतु कुछ देर में राणा दुश्मनों से घिरने लगे। राणा प्रताप को दुश्मनों से घिरता देख सादड़ी के सरदार झालामन्ना शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटते 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 प्रताप तक पहुंच गए। झालामन्ना महाराणा प्रताप के ही कदकाठी के थे और उनके जैसे ही दिखते थे। महाराणा को जीवित रखना बहुत जरूरी था। इसी विचार से झाला ने महाराणा के सर से राज मुकुट उठाकर अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने आखिरी बार प्रताप को क्षमा याचना और बलिदान के भावों से देखा और कहा, महाराणा, एक झाला के मरने से कुछ नहीं होगा,
लेकिन आप बच गए तो कई और झाला तैयार हो जाएंगे। मौका देख महाराणा प्रताप तीन टांगों के चेतक पर सवार 100 फीट चौड़ा नाला पार करते हुए रणभूमि से सुरक्षित निकल गए। पूरी तरह से घायल चेतक ने प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही अपने प्राण त्यागे। उधर राणा प्रताप के छत्र और पगड़ी पहने झाला को देख मुगल सेना उन्हीं को प्रताप समझ बैठी और उन पर टूट पड़ी। झाला मन्ना ने वीरता से युद्ध किया, चारों ओर लाशों का ढेर लग गया। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है, परंतु वे तब तक लड़ते रहना चाहते थे जब तक प्रताप बचकर युद्ध भूमि से ना निकल जाएं। उनका सारा शरीर छलनी हो चुका था, असंख्य सैनिक उन अकेले पर तलवार से वार कर रहे थे, पर वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और मुगलों को पता ही नहीं चला कि इतनी देर में प्रताप सुरक्षित निकल चुके हैं। युद्ध में जिसने भी झालामन्ना का आत्म बलिदान देखा वो बोल उठा, तुम्हारी जय हो, भारत माता के सुपूत तुम धन्य हो। बस इतनी ही थी झालामन्ना की अद्भुत स्वामी भक्ति की कहानी। दीदी, तो फिर हल्दी घाटी के इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध में विजय भले ही अकबर को मिली हो, लेकिन इतिहास में अमर हुई महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक और झालामन्ना की स्वामी भक्ति की कहानी। युद्ध के बाद भले ही जयपुर के मानसिंह ने मेवाड़ के कुछ हिस्से पर आधिपत्य कर लिया, परंतु प्रताप जीवित थे। युद्ध में अपने सभी प्रियजनों, सैनिकों और घोड़े चेतक को खोने के बाद प्रताप ने प्रण लिया कि वे जब तक मेवाड़ वापस प्राप्त नहीं कर लेते, घास की रोटी खाएंगे और जमीन पर सोएंगे। वे आजीवन मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और उनके जीवित रहते अकबर कभी भी संपूर्ण मेवाड़ को अपने अधीन न कर सका। दीदी, हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी तो सचमुच अद्भुत है। क्या वीरता और सोच थी झालामन्ना की। अपने प्राण देकर कितनी चतुराई से उन्होंने राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की। सच में वे सच्चे भारत माता के पुत्र और स्वामी भक्त थे। उनकी कहानी हमें सुनाने के लिए धन्यवाद दीदी। भारत भूमि के सच्चे भक्तों की कहानी बच्चों को सुनाना और उनके किस्से लोगों को बताना तो एक बहुत छोटी सी चीज है जो हम सब कर सकते हैं, जिससे हमारे मन की देशभक्ति और विकसित होती है ना? हाँ दीदी, हम भी यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगली बार कुछ नई कहानियों के साथ फिर मिलूंगी। जय माँ भारती। जय माँ भारती।